हेलो फ्रेंड्स, छात्रगण कैसे हैं आप लोग। मैं स्वरूप सर, ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज भारत के भूगोल का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे बेसिक चैप्टर फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में जानेंगे। एक ऐसा चैप्टर जिस पर पूरा इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसी फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इस चैप्टर का संबंध आने वाले जितने लेक्चर और नोट्स आपको लिखाए जाएंगे सभी में इसका कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाएगा। इसलिए मित्रों, छात्रगण, आप ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को विथ फिगर जो मैं ड्रॉ करूंगा आपको सुनना है, समझना है। उसके बाद तत्पश्चात जो लेक्चर दी जाएगी आपको ऑफलाइन क्लास की तरह ऑनलाइन में आपको नोट्स भी लिखाया जाएगा। इसलिए मेरे लेक्चर को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। अब एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज फिजिकल स्ट्रक्चर, भौतिक स्वरूप कहने का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल। जैसा नाम से ही जाहिर है फिजिकल लिखा हुआ है, दैट मीन्स If we can touch or seen, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वह भौतिक स्वरूप का ही एक भाग है। अब आप भूगोल में गौर कीजिएगा, चूंकि हम यहां इंडिया का बता रहे भौतिक स्वरूप, तो आप देखिए कि इंडिया का जो मैप है उस मैप में आप जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट अगर आप जाते हैं तो कौन कौन सा नेचुरल दृश्य इस भारत के ऊपर दिखाई पड़ता है, वही भौतिक स्वरूप है। जैसे आप यहां गौर कीजिए कि हम अगर हिमालय के नॉर्थ और लास्ट साउथ, वेस्ट और ईस्ट जाते हैं तो क्या देखते हैं, देखिए सबसे इंडिया के सबसे उत्तर में ये साइड में पूरा एक 2400 किलोमीटर का एक माउंटेन है। एक ये दृश्य फिजिकल दृश्य दिखाई पड़ता है, उसका नाम है उत्तर का विशाल पर्वत। ये रहा मेरा पहला भारत का भौतिक स्वरूप, नंबर 1। नेक्स्ट, इस मैदान के नीचे और पठार के ऊपर हिमालय से और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों से एक इलाका बन गया है, एकदम लगभग समतल है, उसी का नाम है उत्तर का विशाल मैदान। दैट मीन्स ये दूसरा भौतिक स्वरूप, सेकेंड फिजिकल स्ट्रक्चर मुझे मिल गया। मैदान के दक्षिण से लेकर एकदम भारत के सुदूर दक्षिण तक जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये
ये इलाका, ये है भारत का तीसरा, ये दूसरा तीसरा स्ट्रक्चर है, इसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार, और नंबर फोर है समुद्र तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन एरिया एंड ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। देखिए, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से लेकर बंगाल तक समुद्र का पानी इस इलाका को टच करता है, जिसकी लंबाई मैंने बताया था कि 6100 किलोमीटर है किनारे वाला भाग, इसका नाम है समुद्र तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन एरिया, और इससे मैंने ऐड कर दिया है और द्वीप समूह, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। यहां है लक्षद्वीप, यहां है अंडमान निकोबार। माय स्टूडेंट्स डियर, मतलब स्पष्ट रूप से हो गया कि मेजर रूप से इंडिया का या इंडिया को चार भौतिक स्वरूप में, फोर फिजिकल डिवीजन में बांट सकते हैं। नंबर वन उत्तर का विशाल पर्वत, नंबर टू उत्तर का विशाल मैदान, नंबर थर्ड प्रायद्वीपीय पठार, दैट मीन पेनिनसुलर प्लेटू, और नंबर फोर है समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। फिर दोहरा रहे आप लोगों को, उत्तर का विशाल मैदान नॉर्दर्न माउंटेन दैट मीन्स हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटू, ये नंबर थर्ड वाले, और नंबर फोर है समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये है नंबर क्या, ये है नंबर फोर। क्लियर? अब यहां पे हम अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरे इंडिया में 43% पर मैदान है, 28% पर पठार है, 18% पर पहाड़ी है, और 11% पर हाई माउंटेन एरिया, उच्च पर्वत का इलाका है। अब यहां पर भले ही नाम है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, परंतु इसके चार पार्ट्स हैं। अब यहां हम एक एक करके आपको इस व्हाइट बोर्ड पे कुछ समझाएंगे, और तत्पश्चात आफ्टर आपको नोट्स दिखाई जाएगी। सबसे पहले हम आ रहे हैं उत्तर का विशाल पर्वत, दैट मीन्स हिमालय पर्वत। जब भी बात होगा उत्तर का विशाल पर्वत का, तो बात हो रहा है हिमालय पर्वत का। किस पर्वत का नाम बात हो रही है? हिमालय पर्वत का, जिसका विस्तार चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार और भारत तक है। हम अब एक पॉइंट पर आ रहे हैं, चैप्टर टू के ए नंबर पर आ रहे हैं, और वो ए नंबर है उत्तर का विशाल पर्वत। हम इस पर आ रहे हैं। अब जैसे यहां पर इस फिगर में देखिए, इंडिया का नाम ही है उत्तर का विशाल पर्वत, मतलब ये इलाका है उत्तर का विशाल पर्वत। ये इलाका हुआ उत्तर का विशाल पर्वत, दैट मीन्स हिमालय पर्वत। ये जो हिमालय बना, ये जो हिमालय है, विसर कहां कहां है? पाकिस्तान में है, भारत में है, नेपाल में है, भूटान में है, चाइना में है, और म्यांमार तक चली गई है, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। कितनी है? 2400।
और चौड़ाई, कहीं कहीं चौड़ाई इसकी 400 किलोमीटर तक है, तो कहीं कहीं 150 किलोमीटर तक भी है, लेकिन लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है। दोस्तों, ये विशाल पर्वत फिजिकल स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे एग्जाम में इस पॉइंट से प्रश्न पूछे गए हैं। हम कुछ पॉइंट्स का भी जिक्र करेंगे कि देखिए क्या प्रश्न इस चैप्टर से पूछी गई है। जब बात करेंगे उत्तर का विशाल पर्वत का, ए नंबर, मैंने इसे ए नाम दे दिया है, मान लिया ए बी सी डी, तो ए में है उत्तर का विशाल पर्वत, दैट मीन्स हिमालय पर्वत की मैं बात कर रहा हूं, हिमालय। तो सबसे पहले जानेंगे कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ हिमालयन माउंटेन। तो बता दूं आपको, विश्व में एक समय एक सागर था, उस सागर का नाम था टेथिस सागर। कौन सागर? टेथिस सागर, टेथिस। और टेथिस के उत्तर में एक लैंड का नाम है, उस लैंड का नाम है अंगारा लैंड। और टेथिस के दक्षिण में जो एक लैंड था बहुत बड़ा, उसका नाम था गोंडवाना लैंड। इसी अंगारा लैंड का भाग है उत्तर अमेरिका, यूरोप, दैट मीन्स यूरेशिया, जबकि गोंडवाना लैंड का भाग है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अब इस मैप पे गौर कीजिए, टेथिस सागर में अंगारा लैंड का जो अग्रभाग था, जो इससे टच था, गोंडवाना का अग्रभाग, फ्रंट एरिया जो ये टच था, इसका गोंडवाना और अंगारा का मलवा का इरोजन होते होते, कटा होते होते, इसका मलवा मटेरियल्स और गोंडवाना का मटेरियल्स धीरे धीरे टेथिस सागर में कट कट कर जमा हो रहा था। जमा होने के कारण, टेथिस में मलवा भरने के कारण, मटेरियल्स का डिपोजिशन होने के कारण, इसके लेवल पे तली में एक धंसाव हुआ। जैसे मलवा का धंसाव हुआ, अंगारा और गोंडवाना आमने सामने आना प्रारंभ किए, और आमने सामने आने से टेथिस के मलवा में मोड़ पड़ गया, फोल्ड पड़ गया दबने से, और फोल्ड पड़ते हुए वह ऊपर की ओर उठ गया और बन गया वर्ल्ड का सबसे न्यू हाईएस्ट माउंटेन, जिसे बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन, उसी का नाम पड़ गया हिमालय पर्वत। कौन पर्वत? हिमालय पर्वत। दैट मीन्स आज जहां हिमालय है वहां पहले कौन सा सागर हुआ करता था? ऑप्शन आता है अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, टेथिस सागर। तो क्या होगा दोस्तों? टेथिस सागर। मतलब आज जहां हिमालय है वहां पहले कभी टेथिस सागर हुआ करता था। निश्चित तौर पे आप समझ गए होंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, और अब हम इस हिमालय का उत्पत्ति होने के पश्चात आपको समझाने के लिए एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। जो हिमालय बना वो हिमालय जो बना वह हिमालय मतलब इस फिगर को
मैंने यहां रखा है आपको समझाने के लिए, नॉर्थ टू साउथ। अब यहां देखिए, मतलब शुरू होगा पाकिस्तान से वेस्ट की ओर, खत्म होगा आपका म्यांमार आकर, शुरू होगा चाइना से और खत्म होगा आपका इंडिया में आकर। लेकिन ये जो हिमालय है वो हिमालय एक बार ना बनकर, माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति एक बार ना होकर 3 से 4 बार में हुई होगी। इसीलिए तो हिमालय अगर एक बार बनता तो इसका साइट, इसका सीन या इसकी हाइट एक जैसा होता। हाइट अलग अलग है, फीचर्स अलग अलग है, इसका नेचर अलग अलग है, विशेषता अलग अलग है। अतः हिमालय को उसकी उत्पत्ति के पीरियड के आधार पर हिमालय को भी 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। वो 4 देखिए कौन कौन है। सबसे उत्तर मतलब ऊपर में चाइना की ओर, सबसे ऊपर वाले हिमालय को बोलते हैं ट्रांस या तिब्बत हिमालय। इसे सबसे उत्तरी हिमालय भी कहते हैं, सबसे नॉर्थ में है। ट्रांस के बाद अगर कोई हिमालय है तो उसे बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। महान हिमालय के बाद का हिमालय का नाम है मध्य या लघु हिमालय। थर्ड हुआ। और सबसे अंतिम, सबसे लास्ट में साउथ की ओर अगर कोई हिमालय है तो उसी का नाम है शिवालिक हिमालय। कौन हिमालय? शिवालिक हिमालय। इस प्रकार हिमालय को नॉर्थ से साउथ 4 भागों में बांटते हैं, ट्रांस या तिब्बत, महान, मध्य, शिवालिक हिमालय। ये जो मैंने बांटा है इसको मैंने बांटा है नॉर्थ टू साउथ। छात्रगण, आप चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि बाद में इसे मिटाकर हम दूसरा फिगर डालेंगे। आप चाहते हैं तो उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। ओके, ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है ट्रांस या तिब्बत हिमालय। अब हम इन चारों के बारे में कुछ खास खास पॉइंट्स जो हिमालय के जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी बातों को रखेंगे। जैसे सबसे उत्तरी हिमालय को कौन से हिमालय के नाम से जानते हैं? ट्रांस और तिब्बत हिमालय। ये सबसे उत्तर में है। इसी ट्रांस या तिब्बत हिमालय का पश्चिम वाला छोर इंडिया को भी टच किया है। यद्यपि ये ट्रांस या तिब्बत हिमालय का मैक्सिमम एरिया तिब्बत में है, दैट मींस चाइना में है, लेकिन इसका एक पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, इंडिया को टच किया है। आपने नाम सुना होगा काराकोरम। काराकोरम नाम सुना होगा आपने। लद्दाख नाम सुना होगा आपने। जास्कर। तो काराकोरम ये एक हिमालय का भी एक अलग से सब पार्ट रेंज है, श्रेणी है। ट्रांस हिमालय में ही कौन कौन से हिमालय की रेंज है अलग अलग, तो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर कौन से हिमालय का भाग है? तो किसका भाग है? ट्रांस या तिब्बत हिमालय का भाग है। ये वही काराकोरम है जहां विश्व की सेकेंड हाईएस्ट पीक पॉइंट माउंट के टू
स्थित है। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू कौन से हिमालय का भाग है? तो ट्रांस या तिब्बत हिमालय का भाग है। और इसी काराकोरम का इलाका में भारत, अफगानिस्तान और चाइना तीनों की सीमाएं मिल जाती है। कौन से श्रेणी में? तो काराकोरम में। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम है सियाचिन। सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन हिमाद्री कौन से हिमालय का भाग है? तो ट्रांस या तिब्बत हिमालय का भाग है। इसकी हाईएस्ट इसकी औसत एवरेज जो हाइट है वो 3100 मीटर की है। कितने मीटर? 3100 मीटर है। और भारत में चाइना से होकर बहने वाली सिंधु नदी है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। भारत की सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र कौन से हिमालय से निकलती है? तो ट्रांस या तिब्बत हिमालय से ही उत्पत्ति होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, मान लिया जाए ऑप्शन रहे गंगा। अब प्रश्न आता है इनमें से कौन से नदी का उत्पत्ति ट्रांस से नहीं हुई है? तो उत्तर क्या होगा दोस्तों? गंगा होगा, क्योंकि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तो ट्रांस से निकलती है। को प्रॉब्लम नेक्स्ट। ट्रांस के बाद कौन हिमालय दिखता है? ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। और इसकी औसत जो ऊंचाई है वो लगभग 6100 मीटर की है। देखिए नाम है इसका महान हिमालय। तो जब महान हिमालय नाम है तो महान मतलब ग्रेटर, तो महान हिमालय के नाम पढ़ने के पीछे का एक कारण है। वो कारण है कि विश्व की सभी महान महान चोटियां, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक पॉइंट जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंघा, नंदा देवी, धौलागिरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल कौन से हिमालय का भाग है? तो उसका उत्तर होगा कौन हिमालय? महान हिमालय। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट, सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848 मीटर, 8848 मीटर, जो नेपाल में है। कौन से हिमालय का पार्ट है? तो उत्तर होगा महान हिमालय का भाग है। और इसी महान हिमालय से भारत की दो महान पवित्र नदियां गंगा और यमुना की उत्पत्ति भी इसी महान हिमालय से हुई है। गौर कीजिए दोस्तों, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति ट्रांस से, जबकि गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। वो कौन से हिमालय का भाग है? तो महान हिमालय का भाग है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है नंबर थर्ड है मध्य, मिडिल और लघु हिमालय। भारत हिमालय की उत्तर से दक्षिण में थर्ड जो सीरीज है हिमालय का, उसका नाम दिया गया है मध्य या लघु हिमालय। देखिए
ये हिमालय थर्ड नंबर पर है। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि उत्तर भारत का जितना हिल स्टेशन है, शिमला, मसूरी, कुल्लू, मनाली, देहरादून, गैंगटॉक, छांगुल, नॉर्थ इंडिया का सारा हिल स्टेशन कौन से हिमालय का भाग है, तो उसका उत्तर होगा मध्यालू हिमालय का ही भाग। इसी मध्यालू हिमालय में जहां तहां बहुत छोटे छोटे ग्रासलैंड है, घास के मैदान है। उस घास के मैदान को कुछ लोकल रूप में नाम दी गई है, इसे जैसे बोलते हैं गर्द या मर्ग। जबकि इसी ग्रासलैंड को, इसी घास के मैदान को जो मध्य या लघु हिमालय में है, इसे उत्तराखंड में बोलते हैं बगयला, बगयाल या पयार, पयार। तो बगयाल, पयार, गर्ग, मर्ग क्या है, तो उसका उत्तर होगा मध्य या लघु हिमालय में स्थित छोटे छोटे घास के मैदान है। अब जैसे आपने सुना होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग, यही है सोनमर्ग, गुलमर्ग। अब लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं हम लोग, शिवालिक हिमालय। गौर करिए, नॉर्थ में चाइना है और सबसे साउथ में इस हिमालय के सबसे नीचे भारत है। तो हिमालय का सबसे सदर्न जो रेंज है उसे बोलते हैं शिवालिक हिमालय। दैट मीन्स हम कह सकते हैं शिवालिक हिमालय एक मात्र ऐसी हिमालय है जिसका विस्तार भारत में सबसे ज्यादा है, जिसका एरिया इंडिया में सबसे अधिक है। नाम है शिवालिक हिमालय और इसकी हाइट तीनों से सबसे कम है। एवरेज हाइट इसकी लगभग 1200 से 1500 मीटर या उससे कम है। शिवालिक हिमालय एक ऐसी हिमालय जो सबसे सदर है, सबसे दक्षिण है। तो शिवालिक हिमालय को दक्षिण हिमालय, सदर हिमालय कहते हैं। क्योंकि आपको हिमालय पे जाना है तो सबसे पहला आपका कदम रखेगा शिवालिक पर, इसीलिए शिवालिक हिमालय को पर्वत पदीय फुट हिल हिमालय के नाम से भी जानी जाती है। इस हिमालय को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे इसी शिवालिक को गोरखपुर में टुंडुआ कहते हैं, कहीं कहीं से चूरिया मूरिया कहते हैं, कहीं कहीं से जम्मू की पहाड़ी कहते हैं, जबकि इसे ईस्ट में माओ, मिसमी, आबोर के लोकल नामों से भी जानी जाती है, जिसका विस्तार भारत में सबसे अधिक है, जिसे दक्षिणी या आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये तो मेरा परिचय था नॉर्थ टू साउथ का। हिमालय को बांटने में जब इसको डिवीजन करेंगे तो डिवीजन का दो आधार है, एक नॉर्थ टू साउथ और एक है रीजनल डिवीजन, प्रादेशिक विभाजन। इसे आपने शॉर्ट स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। अब इसे हम मिटाते हैं और अब हम आते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। देखिए अब और करेंगे, पहले मैंने बांटा था नॉर्थ साउथ और अब बांटेंगे
वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट बांटने में जो डिवीजन का जो लाइन होगा, बाउंड्री लाइन होगा, उस बाउंड्री लाइन में बेस है नदी, नदी बेस होगा। जैसे वैष्णव नदी है, पश्चिम नदी का नाम है सिंधु, जिसे बोलते हैं इंडस। उसके बाद है सतलज, उसके बाद है काली, उसके बाद है तिस्ता, उसके बाद है ब्रह्मपुत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसे बोलते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि सिंधु से सतलज जो हिमालय है उसे बोलते हैं पंजाब हिमालय। कौन हिमालय बोलते हैं दोस्तों? पंजाब हिमालय। सिंधु से सतलज के बीच पंजाब हिमालय, और सतलज से काली के बीच को बोलते हैं कुमायूं हिमालय। कौन हिमालय? कुमायूं हिमालय। वही कुमायूं मतलब उत्तराखंड। और काली से तिस्ता को बोलते हैं नेपाल हिमालय, और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं आसाम हिमालय। मतलब वहां था नॉर्थ टू साउथ में ट्रांस महान लघु शिवालिक, यहां है वेस्ट टू ईस्ट में पंजाब कुमायूं नेपाल आसाम। प्रश्न आता है, देखिए दोस्तों एक बात गौर कीजिए आप लोग, बहुत बार का प्रश्न है कि हिमालय को उत्तर से दक्षिण इनमें से कौन सी क्रम श्री सही है। और प्रश्न ये बनता है कि प्रादेशिक विभाजन में हिमालय को अगर वेस्ट टू ईस्ट बांटेंगे तो कौन सी क्रम सही है। तो पहला क्रम पंजाब, उसके बाद कुमायूं, उसके बाद नेपाल, उसके बाद असम हिमालय। और प्रश्न है सिंधु और सतलज के बीच में कौन से हिमालय का विस्तार है। ऑप्शन तो ही रहेंगे आपके, तो उत्तर क्या होगा? पंजाब। सतलज से काली के बीच में कौन है? तो कुमायूं। काली से तिस्ता के बीच में कौन है? तो नेपाल। तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन है? तो असम। अब मतलब स्पष्ट हो गया, जब सिंधु सतलज है मतलब इसी हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, माउंट केटू, सियाचिन पड़ेगा। जब कुमायूं बोल रहा है तो ये बात हो रहा है उत्तराखंड का, तो कुमायूं हिमालय का ही भाग होगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसके अलावा नंदा देवी। उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट चोटी कौन है? नंदा देवी। कौन से हिमालय का भाग है? तो कुमायूं का भाग है। नेपाल हिमालय लिख रहा है मतलब माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, कौन से हिमालय का भाग है? तो क्या होगा? नेपाल का भाग है। जबकि असम हिमालय माओ, मिस्मी, अबला, डफोर की, ये जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है उसे वेस्ट टू ईस्ट बांटते हैं पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम में। स्पष्ट रूप से हो गया कि पंजाब में ही आएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, माउंट केटू, सियाचिन, जो वहां पर आया था ट्रांस या तिब्बत में। कुमायूं हिमालय जो सतलज से काली के बीच में है, इसी कुमायूं हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है, नाम आएगा नंदा देवी, जो उत्तर प्रदेश में है।
नेपाल हिमालय जो काली से तिस्ता के बीच है, माउंट एवरेस्ट कंचनजंघा नेपाल हिमालय का ही भाग है, और सबसे अंतिम और आउटर हिमालय जिसकी हाइट सबसे कम है उसका नाम है आसाम हिमालय, जिसे तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच इसका विस्तार है। डबला, डाफोर, मेरी, मिसमी नमक छोटी छोटी पहाड़ियां कौन सी हिमालय का भाग है, तो आसाम का ही भाग है। वहां पर नॉर्थ टू साउथ में शिवालिक को बोलते थे बाहरी हिमालय, यहां रीजनल डिवीजन में आसाम को बोलते हैं सबसे बाहरी हिमालय। ओके दोस्तों, निश्चित तौर पे समझ गए होंगे कि इंडिया में या वर्ल्ड का हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, किसकी क्या विशेषता है, नॉर्थ टू साउथ कैसे बांटते हैं और वेस्ट टू ईस्ट कैसे बांटते हैं। इस हिमालय का जो लेक्चर अभी हुआ, जो बताया गया, उसका नोट्स नेक्स्ट क्लास में आपको लिखाया जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।